हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सॉरी कि मैंने कल बोला कि लेग्स एंड शोल्डर वर्कआउट की वीडियो अपलोड करूं, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं नहीं कर पाया. सो इंस्टेड ऑफ दैट टुडे आई ब्रिंग अप अ न्यू वीडियो. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने लो बजट में कैसे अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम ग्रो अप कर सकते हैं. सो मिलते हैं आगे वीडियो में. मेन क्वेश्चन अराइज होता है वो यही है कि क्या हम लो बजट में रह के अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं और ग्रो अप कर सकते हैं, क्या हम साइज गेन कर पाएंगे. सो आंसर इज़ येस. सो जो मेन होता है वो माइंड फोकस का गेम है ये सारा. दिस इज़ अ माइंड फोकस गेम. अगर आपका माइंड फोकस रहेगा, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, वो सारा आपकी बॉडी पे वर्क करेगा. तो हमें क्या डाइट लेनी चाहिए? तो जो लोग सुबह जिम जाते हैं तो वो उठे सबसे पहले और उठ के बिना ब्रश करे हुए कोपर वेसल में रखा हुआ पानी लेंगे या फिर गर्म पानी लें. उसके बाद वो अच्छे से फ्रेश होंगे. फ्रेश होने के बाद जिम जाने से आधे से एक घंटे के बीच में जब जिम जाने लगेंगे, उससे पहले बॉयल पोटैटो लें या स्वीट पोटैटो या फिर पीनट बटर ब्रेड लें या फिर टू बनानास ले सकते हैं या वन एप्पल. तो ये खाएं, ये आपकी बेस्ट प्री वर्कआउट मील है. उसके बाद आप जिम जाओ, अच्छा पंप आएगा आपकी बॉडी में और डोले शोले बना के आओ बढ़िया से. तो जब घर आओगे उसके बाद विद इन 30 मिनट्स अगर आप वहाँ अपना प्रोटीन ले जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना घर आओ प्रोटीन लो. विद इन 30 मिनट्स हमें प्रोटीन लेना है और उसके साथ में वन बनाना. प्रोटीन कैसे रहेगा? एक स्कूप प्रोटीन लेंगे, 1 से 1.5 स्कूप, और उसको पानी में लेंगे और वन बनाना उसके साथ में रहेगा. और जो लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, तो उनके लिए भी बढ़िया चीज़ बताता हूँ. तो आपके मदर या फादर को पता ही होगा, तो अंकुरित दाल मतलब स्प्राउट्स, रात में आप दाल चना रख दें पानी के अंदर तो सुबह तक अंकुरित हो जाएगी. तो अपना जिम से आए एक्सरसाइज करके बढ़िया सी, उसके बाद ये सब लें. और अंकुरित दाल मतलब स्प्राउट्स के साथ आप 50 to 100 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं. तो ये आपकी पोस्ट वर्कआउट मील हो गई. तो इसी के 30 to 40 मिनट्स बाद हमें क्या लेना है? तो इसी के जब आपने प्रोटीन या अंकुरित दाल जो भी लिया आपने, उसके 30 to 40 मिनट्स बाद आपको 1 कप ओट्स दूध के अंदर डाल के, और साथ में जो वेजिटेरियन है वो पीनट बटर ब्रेड लेंगे एक, नहीं तो जो नॉन वेज है वो 4 एग्स वाइट लें और 1 एग होल लें, मतलब टोटल 5 एग्स लें और 1 ओट्स कप लेना है. ठीक है, तो ये आपकी हो गई पोस्ट वर्कआउट मील. बात हो गई थी हमारी पोस्ट वर्कआउट मील में, जिसमें हमने प्रोटीन लिया था और उसके 30-40 मिनट्स आफ्टर हमने ओट्स, पीनट बटर ब्रेड या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मैंने बताया 5 एग्स लेने, 4 वाइट एग्स एंड 1 होल एग. ठीक है, तो इसके बाद हम जो बात करेंगे मिड मील की. मिड मील मतलब आपके पोस्ट वर्कआउट से और लंच के बीच की मील. तो हर मील में एक तो मेन हमें 3 आवर्स का गैप रखना है, और याद ये रखना है कि हमारी कभी भी टमी फुल ना हो, उसमें थोड़ी सी स्पेस रहनी चाहिए. तो जो मिड मील रहेगी उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं या बनाना शेक ले सकते हैं. तो बनाना शेक लेंगे तो बेस्ट गेनिंग सोर्स रहेगा आपका. सो मैं तो प्रेफर करूँगा बनाना चीकू शेक लें या बनाना शेक लें, बिकॉज चीकू तो इस मौसम में मिलते नहीं, और अगर मिलते हैं तो उसमें कीड़े निकलते हैं. तो ध्यान रखिएगा बनाना शेक लें. 2 बनानास 1 कप मिल्क, 1 स्कूप ऑफ पीनट बटर, थोड़े से ओट्स और सम आलमंड्स. तो ये सब मिक्स करें अपना और पिए. इस बात हो गई थी मिड मील की, अब बात करते हैं लंच की कि लंच में क्या खाएं. सो लंच में एज़ पर योर एबिलिटी आप देख लें कितनी रोटी खा सकते हैं. सो जैसे कि मैं 4 चपातीस ले लेता हूँ. सो 4 चपातीस के साथ हमें सब्जी लेनी है, सब्जी के साथ हम सैलड लेंगे और सैलड के साथ हम दही लेंगे. और दही ये नहीं कि थोड़ा सा लिया, एक पूरी कटोरी भर के दही लें या 10 वाला कप आता है वो भी ले सकते हैं, बेस्ट रहता है. सो और जो नॉन वेजिटेरियन है वो सब्जी को रिप्लेस कर सकते हैं चिकन के साथ या एग्स के साथ. और चिकन में हम क्या लेंगे? चिकन में हम ग्रिल या बॉयल चिकन लेंगे, चिकन ब्रेस्ट, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट में ज़्यादा प्रोटीन रहता है, तो चिकन ब्रेस्ट बेस्ट है. और ग्रिल या बॉयल ही लेनी, ये नहीं कि आप उसमें तड़का मार के खा रहे हैं लेग पीस ये वो, ये सब ऐसे नहीं करना. क्योंकि हमें शरीर बनाना तो है, साइज तो गेन करना है, बट बैड कार्ब्स से नहीं करना, हमें गुड कार्ब्स कंज्यूम करने हैं. तो ये आपका अच्छा सोर्स रहेगा गेनिंग का. तो ये आप खा सकते हैं लंच में. सो गाइस, बात करते हैं मिड मील में हम क्या खा सकते हैं. सो मिड मील में सबसे बेस्ट आपके फ्रूट्स स्प्राउट्स रहेंगे, या फिर आप जैसे इवनिंग जिनका अभी ऑफिस चल रहा है, जो इवनिंग में जिम जाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कॉफ़ी के साथ एक बनाना ले लें, क्योंकि ये प्री वर्कआउट मील आपकी बन जाएगी, बहुत बेस्ट. या फिर जैसे जो थक जाते हैं, 1 कप चाय पी सकते हैं दिन में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है.
बाकी अगर कॉफ़ी लें और बन बनाना लें उनकी बेस्ट प्री वर्कआउट मील रहेगी, नहीं तो जो सुबह जिम कर चुकी हैं वो फ्रूट्स वगैरह लें या स्प्राउट्स लें, सो बेस्ट रहेगा उनके लिए। जो लोग शाम में जिम से आएंगे वो सबसे पहले तो प्रोटीन और बनाना लेंगे लेंगे विद इन 30 मिनट्स, सो 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन लेंगे और साथ में बन बनाना लेंगे, नहीं तो स्प्राउट्स जो मैंने आपको बताया अंकुरित दाल वो करके आप ले सकते हैं, तो ये आपका बेस्ट प्रोटीन का सोर्स रहेगा। सो आफ्टर डैट जो बात आएगी वो डिनर की आएगी, तो डिनर में हम सेम कार्ब्स तो हमें इनटेक करनी है, जैसे सबको पता ही है कि हम गेनिंग पे हैं तो कार्ब्स इनटेक मोर रहेगा, तो आप एज़ पर योर एबिलिटी देख ले कितनी चपाती खा सकते हैं। सो 2 चपाती या 1 चपाती ले लें, साथ में वाइट राइस रहेंगे आपके, साथ में 1 कटोरी दाल रहेगी, और साथ में आपका जैसे जो नॉन वेज है वो चिकन ब्रेस्ट ले लें जैसे कि मैंने बताया, ग्रिल या बॉयल लें, या फिर पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं या रॉ पनीर जैसे खाया जाए, एज़ पर योर टेस्ट आप देख लें कैसे खाना है। और किसी को अगर रेसिपी चाहिए हो कि मैं कैसे पनीर की सब्ज़ी बनाता हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो गाइस बात हो गई है डिनर की, अब डिनर के बाद हमें क्या लेना है, तो डिनर के बाद हमें एटलीस्ट 1 कप ऑफ मिल्क लेना है, वो भी हल्दी वाला दूध रहेगा, मिल्क टर्मरिक मिल्क, एंड साथ में हम लेंगे जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, और आलमंड्स लेंगे 5 to 6। तो ये पीने के बाद आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये आपकी गेनिंग डाइट थी गाइस, तो जैसे कि किसी को फैट लॉस की डाइट चाहिए हो या कुछ और सजेशन चाहिए हो तो मुझे पर्सनली DM कर सकता है जॉय कालरा फिटनेस पे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो भाई का चैनल, और वीडियो शेयर करो सबके साथ, और जिनको भी सजेशन चाहिए वो याद रखो जॉय कालरा फिटनेस, मेरे को DM करो, आई विल टेल यू एवरीथिंग। एंड अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट कैसे रहेगा, सो भाई को सपोर्ट करो। सो गाइस बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।